आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, मेजॉरिटी पावर और माइनॉरिटी राइट्स क्या होते हैं, या जिसको बोलते हैं बहुमत की शक्तियां तथा अल्पमत या अल्पसंख्यक के अधिकार। क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन या इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। जैसे हमने कल भी देखा था कि कंपनी की, जब भी अगर कंपनी बनती है तो कंपनी कैसे बनती है, लोगों से बनती है। तो क्या बोल रहा है, कंपनी की प्रबंध व्यवस्था में बहुमत के नियम का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात सभी महत्वपूर्ण निर्णय बहुमत के आधार पर ही लिए जाते हैं। इस हेतु कंपनी द्वारा क्या बुलाई जाती है, सामान्य सभाएं बुलाई जाती हैं। हमने सबने मीटिंग वाला चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि सारे कंपनी के जितने मेंबर्स होते हैं उनको कंपनी की मीटिंग के लिए क्या दिया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है या आमंत्रित किया जाता है। फिर इन मीटिंग्स में, इन सभाओं में डिफरेंट डिफरेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको पहले एजेंडा भेजा जाता है, उन एजेंडा पे, उन टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। इन सभाओं में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रस्तावों, संकल्पों पर सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, डिस्कशन के बाद वोटिंग राइट होता है उनका, वो वोट करते हैं, मतदान में भाग लिया जाता है और बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ठीक है, बहुमत द्वारा पारित इन प्रस्तावों से कंपनी के सभी सदस्य बाध्य होते हैं। ऐसे प्रस्ताव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक साधारण प्रस्ताव हो सकता है, एक विशेष प्रस्ताव हो सकता है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मेजॉरिटी माइनॉरिटी का, वो समझने के लिए पहले मैंने समझा कि एक्चुअल में होता क्या है। हम पढ़ रहे हैं कंपनीज लॉ, कंपनीज में क्या होता है हमें वो सब डिस्कस करना है। हमने देखा कंपनी कैसे बनती है, कौन कंपनी बनाता है, कंपनी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, कौन कौन से प्रपत्रों की आवश्यकता होती है, वो सब प्रपत्र कैसे बनाए जाते हैं, फिर कंपनी को काम करना है तो किस तरीके से काम करेगी। उसी में एक है कि कंपनी बनती कैसे है, लोगों से बनती है। अब वो लोग जब, इसमें हमेशा कैसा मेजॉरिटी का रूल फॉलो होता है, बोलना चाहिए लॉ फॉलो होता है। जब कोई भी काम करना होगा, कोई भी डिसीजन लेना होगा, तो मुझे लोगों की क्या बुलानी होती है, मीटिंग बुलानी होती है। हमने देखा था कि ऑर्डिनरी मीटिंग होती है और एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ऑर्डिनरी मीटिंग्स होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स होती हैं। लेकिन मीटिंग में जब सबको बुलाया जाता है तो अल्टीमेटली डिसीजन कैसे लिया जाता है, वोटिंग के थ्रू, और जहाँ पे ज्यादा मत होता है, ज्यादा मेजोरिटी होती है, वही डिसीजन ले लिया जाता है। तो वही बता रहे हैं कि ये दो प्रकार के प्रस्ताव हो सकते हैं, एक साधारण जनरल और दूसरा क्या हो सकता है, विशेष स्पेशल। अब साधारण प्रस्ताव क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। साधारण प्रस्ताव, साधारण बहुमत अर्थात कम से कम 50% बहुमत द्वारा पारित किए जाते हैं, जबकि विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 3/4 मतलब 75% मत होना आवश्यक है। पारित प्रस्तावों के सभी सदस्यों के बाध्य होने का कारण भी यही कहा जाता है। कंपनी के पार्षद नियम एवं कंपनी अधिनियम की सीमाओं के अंतर्गत पारित प्रस्ताव पर अल्पमत अंशधारी का कोई आक्षेप नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य बनने का अनुबंध करता है तो वह बहुमत के निर्णय को मानने की स्पष्ट सहमति देता है, क्योंकि जब वो कंपनी का क्या बनेगा, मेंबर बनेगा, तो उसको भी कुछ डॉक्यूमेंट्स पे क्या करना होगा, एग्री करना होगा कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन पे। वो कंडीशंस क्या होती हैं कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो बहुमत से या मेजॉरिटी से लिया जाएगा। तो क्या बोल रहा है, दो तरीके के प्रस्ताव हो सकते हैं, जनरल जिसमें 51% होना चाहिए, हाफ से ज्यादा, और एक होता है स्पेशल टाइप का जिसमें कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 75% होने चाहिए। तो अब होता क्या है, जो हमने कल पढ़ा था कि क्या होता है अन्याय और क्या होता है कुप्रबंधन। अन्याय क्या होगा कि जब कोई पर्सन मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी में चले गए थे, हमने देखा था वो क्या हो गए थे, उनकी बात तो नहीं मानी गई थी, तो उनके साथ कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था। तो आज हमें समझना है कि मेजॉरिटीज के क्या क्या पावर होते हैं, बहुमत की क्या क्या शक्तियां हैं, और अल्पसंख्यक मतलब अल्पमत जो माइनॉरिटी में रह गए उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द रूल ऑफ मेजॉरिटी, सुप्रीमेसी ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत का नियम या बहुमत का प्रभुत्व, या जिसको बोलते हैं बहुमत के सिद्धांत का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मेजॉरिटी रूल्स, या इसको देख लेते क्या बोल रहा है, पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द कंपनीज एक्ट डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर। द बोर्ड ऑफ बोर्ड एंड द शेयर होल्डर एक्सरसाइज देयर पावर थ्रू मीटिंग इन अ डेमोक्रेसी वे।
The meeting include the meeting of board of director and the general meeting. The shareholder entrust certain power on board of director, which through the memorandum of association and article of association, the board of director have all the powers can do all things act just the same as the company exercise the power. But the act restricted the board of director from the power that only the shareholders can do in the general meeting. अब हम समझते हैं कि वो क्या बोल रहा है. चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है. पावर ऑफ मेजॉरिटी. अब मेजॉरिटी के क्या पावर होते हैं पहले वो समझ लेते हैं. अ कंपनी स्टैंड एज अ आर्टिफिशियल एंटिटी. द डायरेक्टर्स रन इन it but they according to the wish of the majority. The director accept the resolution passed by the majority of member unless it is not within the power of the company. The majority member have the power to rule and also have the supremacy in the company, but there is a limitation in their power. क्या बोल रहा है वो लिमिटेशन क्या बोल रहा है कि जो कंपनी होती है हम सबको पता है कंपनी क्या होती है. एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है उसके डायरेक्टर्स उसको चलाते हैं. तो वो जो प्रस्ताव होते हैं जिसको रिजोल्यूशंस बोलते हैं ऑर्डिनरी हो चाहे स्पेशल हो उनको क्या करते हैं बहुमत के द्वारा पास करते हैं या पारित करते हैं. द मेजॉरिटी मेंबर हैव टू पावर टू रूल एंड ऑल्सो हैव टू सुप्रीमेसी इन द कंपनी. उनके पास एक प्रभुत्व हो जाता है क्योंकि उनके पास ज्यादा लोग होते हैं बट उनकी कुछ क्या होती हैं लिमिटेशंस होती हैं. क्या बोल रहे हैं कि कंपनी की समस्त शक्तियों का अधिकार या अधिकारों का प्रयोग सदस्यों की सभाओं एवं संचालन मंडल की सभाओं द्वारा किया जाता है. दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय बहुमत के द्वारा ही लिए जाते हैं. ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना बनी रहती है कि बहुमत द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाए और अल्पमत के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े. सामान्यतः न्यायालय एवं ट्रिब्यूनल आदि भी कंपनी की आंतरिक प्रबंध व्यवस्था से संबंधित मामलों में अंशधारियों पर आवेदन करने पर भी जब तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम के प्रावधानों का उल्लंघन ना किया गया हो. मतलब कि कंपनी जब बनाती है तो सारी चीजें उसमें मेंशन करती है. कंपनी जब अपना मेन डॉक्यूमेंट एमओए क्या बोलते हैं इसको सीमा पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम बनाती है तो सारी इंफॉर्मेशन देती है. जब तक कंपनी उसका क्या नहीं करेगी उल्लंघन नहीं करेगी तब तक कोर्ट भी उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगा. तो यही कारण है कि अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा रखना कंपनी अधिनियम पर की एक समस्या है क्योंकि अब हमेशा मेजॉरिटी से ही डिसीजन लिए जाएंगे ये तो फिक्स है. तो जो माइनॉरिटी है या जो अल्प अधिकार है उनके हितों की सुरक्षा करना फिर किसकी प्रॉब्लम हो जाती है फिर वो कंपनी अधिनियम मतलब कि कंपनीज एक्ट के अंदर इसका कोई ना कोई प्रोविजन तो होना चाहिए. तो परमार के शब्दों में बता रहा है एक कंपनी का कारोबार अच्छे ढंग से चलाने के लिए बहुमत तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार में उचित संतुलन आवश्यक है. मतलब कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से चलता रहे कंपनी का बिजनेस अच्छे से चलता रहे उसके लिए बहुत जरूरी है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के जो भी राइट है वो बैलेंस्ड वे में चलें. अगर वो अनबैलेंस हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका लॉस किसको होगा कंपनी को होगा. कंपनी अधिनियम में कंपनी में धन लगाने वालों के हितों की रक्षा की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका उद्देश्य यह भी है कि कंपनी पर नियंत्रण करने वाले बहुमत प्राप्त व्यक्ति अपने प्रयोगों का न्याय संगत तथा युक्त रूप से प्रयोग करें. देखो जिसने भी कंपनी में अपना पैसा लगाया वो सबने सही बराबर लगाया होगा पैसा अपने तरीके से. लेकिन जो किसमें चले जाते हैं मेजॉरिटी में चले जाते हैं उनकी बात मानी जाती है जो माइनॉरिटी में चले जाते हैं उनकी बात नहीं मानी जाती. तो क्या बोल रहा है कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऐसा प्रोविजन है कि दोनों का क्या रहे बैलेंस रहे और जिसके पास अधिकार है बहुमत प्राप्त व्यक्ति है उनको अपने जो भी अधिकार है उनका कैसे करना चाहिए सही उपयोग करना चाहिए. बहुमत के नियम या कंटेंट ऑफ मेजॉरिटी रूल्स क्या क्या हैं. कंपनी के प्रत्येक सदस्य को यह ज्ञात होता है कि कंपनी
में बहुमत का प्रभुत्व होता है। सभी बातों का निर्णय बहुमत से ही होता है। बहुमत से लिया गया निर्णय सभी पर बाध्य होता है। बहुमत से लिए गए निर्णय के विरुद्ध अल्पमत सामान्यतः कोई शिकायत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी के किसी रूल का या रेगुलेशन का क्या नहीं किया है, उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए कोई कंपनी का जो जो हमारी बात नहीं मानी गई ऐसे करके कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। बहुमत से निर्णय कंपनी अंतर नियमों के अधीन लिए जाते हैं, जिससे सामान्यतः न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। बहुमत से लिए गए निर्णयों के विरुद्ध तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि वे स्पष्ट रूप से प्रचलित कानून के विरुद्ध प्रतीत ना होते हो। हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर वो कंप्लेन करता है तो उसे जस्टिफाई या एक्सप्लेनेशन देना होगा, स्पष्टीकरण कि ये कैसे कंपनी के अधिनियम के या कानून के विरुद्ध जा रहा है। तो क्या है ये? बहुमत के नियम है। अब इसमें इसको जनरली हमको समझने के लिए, क्योंकि देखो बहुमत की क्या शक्तियां हैं वो मुझे समझ में आ गया कि क्या होता है बहुमत, हम सबको पता है, और क्या होता है अल्पमत। मुझे इसके अंदर समझने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, केसेस जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। एक केस दिया हुआ है फॉस बनाम हर बॉटल का नियम का सिद्धांत। क्या बता रहा है इसमें? फॉस बनाम हर बॉटल ने इंग्लिश बाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि किसी भी अंशधारी की प्रार्थना पर न्यायालय कंपनी की आंतरिक प्रबंध व्यवस्था में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि कंपनी के संचालन कंपनी के पार्षद नियम के अनुसार कार्य कर रहे तथा बहुमत वाले सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय अल्पमत वाले सदस्यों को मानना ही होगा। न्यायालय केवल इस आधार पर कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा कि कंपनियों के नीति के संबंध में कंपनी के सदस्यों में मतभेद है। इस नियम को समझने के लिए ठीक से समझना आवश्यक है। तो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ अब कई बार हो सकता है कि दो ग्रुप हो, दो ग्रुप में झगड़ा चल रहा हो, तो कुछ ग्रुप में ज्यादा लोग हैं कुछ ग्रुप में कम लोग हैं, तो उनके बीच में आपसी मतभेद है, इसकी वजह से वो न्यायालय क्या नहीं कर सकता, डिसीजन नहीं ले सकता है। अब इसके लिए बहुत सारे केसेस आपको दिए हुए हैं कि इसके बेसिस पे इसमें उसके क्या क्या अपवाद हैं, कुछ भारतीय बात थे फॉस और उसके नियम के। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि दो लिमिटेशन है, द पावर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर आर सब्जेक्टेड टू एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अ कंपनी कैन नॉट ऑथराइज और रेक्टिफाई एनी एक्ट लीगली आउटसाइड द मेमोरेंडम, उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकती। रिजोल्यूशन मेड बाय द मेजोरिटी शुड शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट रिलेटिंग टू द कंपनीज एक्ट और एनी स्टेट। इट शुड ऑल्सो बी कमिट फ्रॉड नॉट कमिट फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी बाय रिमूविंग देयर राइट। किसी के इंटरफेरेंस का कोई राइट देखो पता नहीं, फॉस वर्सेस हॉवर्टल इसका ही क्या दिया हुआ है, सारा केस दिया हुआ है, फिर उसके एक्सेप्शन दिए हुए हैं, उसके बेनिफिट दिए हुए हैं, क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें इसकी बताई हुई हैं, बता देती हूँ मैं। इस वाद में कंपनी के दो अल्पमत अंशधारियों ने अपने अन्य अंशधारी की ओर से कंपनी के संचालकों के विरुद्ध न्यायालय में इस आधार पर बात प्रस्तुत किया कि उन्होंने कुछ कपटपूर्ण तथा अवैध व्यवहार किए और कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग किया जिससे कंपनी को काफी हानि हुई। इन दोनों अंशधारियों ने न्यायालय से प्रार्थना की कि उक्त संचालकों के विरुद्ध कंपनी को हानि की क्षतिपूर्ति के लिए डिक्री दी जाए। क्या बोल रहे हैं कि जो फॉस वर्सेस हर बॉटल का नियम है उसमें उन्होंने क्या किया था? पहले तो बताया था कि माइनॉरिटी को नहीं है राइट कुछ भी अगेंस्ट कंप्लेंट करने का, मगर इन लोगों ने किया, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि उन लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है उन लोगों ने उसमें कुछ इलीगल वर्क किया है जिससे कंपनी को क्या हुआ है, बहुत लॉस हुआ है। जितने भी क्या थे माइनॉरिटी थे अल्पमत थे उनमें से दो लोगों ने कंप्लेंट की और अपने सारे जितने और बाकी लोग होंगे उनके बिहाफ में भी कंप्लेंट की, तो
क्या बोल रहे हैं कि कंपनी ने क्या किया है, कुछ कपटपूर्ण और अवैध व्यवहार किया है, तो उनको एक डिक्री दी जानी चाहिए। न्यायालय ने पिटिशनरों के अभिकथन को अस्वीकार करते हुए अभी निर्धारित किया किया कि संचालकों के कार्यों में से कंपनी को हानि के लिए अल्पमत अंशधारियों को अपने नाम से संचालकों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के मामले में कंपनी को स्वयं ही अपने नाम से वाद प्रस्तुत करना चाहिए, न कि किसी अंशधारियों या सदस्यों द्वारा। इसका कारण यह है कि संचालकों के आचरण से हानि न केवल वादियों को ही बल्कि संपूर्ण कंपनी को हुई, अतः वाद कंपनी की ओर से लाया जाना ही उचित है। उनका केस क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि वो बोल रहा है कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया उससे सिर्फ आपको लॉस नहीं हुआ, कंपनी को लॉस हुआ। क्योंकि लॉस किसको हुआ? कंपनी को हुआ। इसलिए केस किसके साइड से रजिस्टर होना चाहिए था? कंपनी के साइड से रजिस्टर होना चाहिए। संचालकों के कार्य से हानि कंपनी को पहुंची, अतः उनके विरुद्ध कंपनी कार्यवाही करना चाहती है या नहीं, इस बात का निर्णय लेने का अधिकार बहुमत प्राप्त अंशधारियों को ही प्राप्त है। यह मामला कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंधित है और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। संचालकों के उक्त कार्यों की बहुमत अंशधारी साधारण सभा में पुष्टि कर सकते हैं। संचालकों के कार्य की किसी अंशधारी के व्यक्तिगत अधिकारों को आघात नहीं पहुंचाता है, वे उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते। क्योंकि क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ है तो कंपनी को उनको क्या करना चाहिए? कंप्लेन करना चाहिए। फिर इसमें उसके बाद क्या हुआ? फॉस वर्सेस हर बॉटल के बाद में प्रतिवाद सिद्धांत को मैकडोनल्ड वर्सेस गार्डिनर के बाद में भी लागू किया। इस वाद में निर्णय लेते हुए न्यायाधीश मैलिश ने कहा कि मेरे विचार से यदि जिस बात के बारे में शिकायत की गई उसे कंपनी के बहुमत अधिकारियों का को करने का अधिकार प्राप्त है, यदि कोई कार्य अनियम ढंग से किया गया तो कंपनी का बहुमत अपने अधिकारों के अंतर्गत वैध रूप में कर सकता है। तो जनरली वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी वाद करेगी, कोई भी अल्प मत अधिकारी उसके लिए क्या नहीं कर सकता, कंप्लेन नहीं कर सकता। क्लियर हुआ कि क्या होता है मेजॉरिटी पावर, क्या होता है और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं मेजॉरिटी पावर के? क्लियर हुआ? अब क्या है, इस नियम के अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि हमने देखा कि क्या क्या हो सकते हैं उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी है। किससे रिलेटेड? हमारे मेजॉरिटी से रिलेटेड। जैसे इसमें दिखा रहा है क्या है, सबसे पहला एक्सेप्शन टू द रूल, द रूल इज नॉट एब्सोल्यूट फॉर द मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी ऑल्सो हैव सर्टेन प्रोटेक्शन, द नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग, इन पर अप्लाई वो नहीं होगा। कौन कौन सी सिचुएशन है देख लेते हैं। सबसे पहली अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या बोल रहा है, अधिकारित कार्य बहुमत अंशधारियों द्वारा किया गया कार्य यदि कंपनी के अधिकार शक्ति के बाहर है तो फॉस बनाम हर बॉटल का नियम लागू नहीं होगा और कंपनी के किसी एक सदस्य या अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशधारियों को यह अधिकार होगा कि वे कंपनी के लिए हानि के लिए अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार कंपनी द्वारा अधिकारियों के बाहर कार्य करने की कोई अवस्था में भी कोई अंशधारी न्यायालय के आदेश प्राप्त कर कंपनी को ऐसा कार्य करने से रोक सकता है। यह उल्लेख अधिकारित कार्यों को बहुमत या सम्मति से विभिन्न मान्य नहीं बनाया जा सकता। अगर वो क्या करें, एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर कैन टेक एक्शन इफ दे फाइंड द मेजॉरिटी डज नॉट एन इलीगल एक्ट और अल्ट्रा वायरस एक्ट, द इंडिविजुअल अगर वो इलीगल काम करते हुए पाया जाता है तो वो क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये क्या है, इसके एक्सेप्शन है उस रूल के।
अल्पमत सदस्यों के प्रति अगर वो क्या कर रहा है, कपट कर रहा है। उसने पहले क्या बोला था कि वो, उसने कंपनी को हानि पहुंचाई, अभी वो क्या बोल रहा है कि अल्पमत सदस्यों के प्रति कपट, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। तब भी फॉस वर्सेस हर बॉटल का सिद्धांत लागू नहीं होगा, जबकि बहुसंख्यक अंशधारियों के कार्य कपटपूर्ण हैं और वे कपटपूर्ण कार्य अल्पसंख्यक अंशधारियों के विरुद्ध किए गए हैं। इस प्रस्ताव को उस समय अल्पसंख्यक अंशधारियों के विरुद्ध किया गया कपटपूर्ण कार्य माना जाएगा, जबकि उसे संपूर्ण कंपनी को लाभ पहुंचाने के अभिप्राय से पारित ना किया गया हो, अथवा जिसके कारण बहुमत और अल्पमत वाले सदस्यों के मत मध्य भेदभाव हुआ हो, जिससे बहुमत को कोई अनुचित लाभ हुआ हो, अल्पमत उस लाभ से वंचित हो, बहुसंख्यक अधिकारियों का द्वारा कपटपूर्ण व्यवहार की अवस्था में अल्पमत इसके विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई हो कि उनके साथ फ्रॉड बिहेवियर किया गया हो, कपटपूर्ण व्यवहार किया गया हो, और जिससे मेजोरिटीज को कुछ क्या मिलने वाली हो, लाभ मिलने वाला हो, कुछ प्रॉफिट मिलने वाला हो, उस सिचुएशन में माइनॉरिटी जाके कंप्लेंट कर सकता है। इफ द मेजोरिटी कमिट फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी, देयर आर द माइनॉरिटी कैन टेक नेसेसरी एक्शन। इफ द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड और माइनॉरिटी इज अनक्लियर, देन द कोर्ट विल डिसाइड ऑन द केस अकॉर्डिंग टू द फैक्ट। विद केस कोर्ट क्या करेगा, उसके को उसके फैक्ट जो भी कंडीशंस होंगी उनके बेसिस पे सॉल्व करेगा। और कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं जिनके क्या कर सकता है, अगेंस्ट वो कंप्लेन कर सकता है। क्या बोल रहा है, रॉन्ग डूअर इन कंट्रोल, इफ द कंपनी इन हैंड्स ऑफ रॉन्ग डूअर, कि उसके किसी गलत इंसान के हाथ में हो, तब भी वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी पर्सनल या इंडिविजुअल के पास हो तब भी कर सकते हैं, वो अपनी ड्यूटी को तोड़ रहा है, खरा कुछ गलत उसका उपयोग कर रहा है अपनी ड्यूटी का, अपने राइट्स का, अपने अधिकारों का, तब भी वो कंप्लेन कर सकता है। अगर कोई क्या हो, क्या बोल रहे हैं कि दोषी सदस्यों पर कंपनी का नियंत्रण, अगर कोई गिल्टी फाउंड किया गया है, दोषी सदस्यों पर कंपनी का नियंत्रण, जब कंपनी के प्रति स्पष्ट रूप से अपकार किया जाता है परंतु कंपनी का नियंत्रण रखने वाले दोषी अंशधारी अपने बहुमत के कारण दोषी है, वो कहीं किसी तरीके से वो गिल्टी फाउंड किया गया है, और फिर भी अगर उसको उसकी बातों को माना जा रहा है तो उसके अगेंस्ट भी वो कंप्लेन कर सकता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई कंपनी के रूल्स रेगुलेशन को तोड़ रहा है, ब्रीच ऑफ लॉफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय पर्सन कंट्रोलिंग द कंपनी, कंट्रोलिंग द कंपनी, अगर कोई उसके कंपनी को तोड़ रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, पर्सनल एक्शन उसके इंडिविजुअल के, उसकी वजह से व्यक्तिक अधिकार का हनन, अगर उसके व्यक्तिक अधिकार का हनन किया जा रहा है तब भी उसका काम नहीं माना जाएगा। अब उसके लिए अल्पसंख्यक अंशधारियों को क्या उपलब्ध है, उपचार, या बोलना चाहिए रेमेडीज अवेलेबल टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर, उनको क्या क्या बोलना चाहिए, उपचार है उनके लिए, क्या क्या रेमेडीज है। बहुसंख्यक अंशधारियों के निर्णय के विरुद्ध पीड़ित अल्पसंख्यक अंशधारियों को कुछ उपचार प्राप्त हैं। पहला, अल्पसंख्यक अंश अधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश नियम 8 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे वाद में कंपनी प्रतिवादी होगी और संबंधित संचालक व बहुसंख्यक सदस्य सह प्रतिवादी होंगे। व्यक्तिगत हितों तथा अधिकारों के उल्लंघन की अवस्था में अल्पसंख्यक अंशधारी सीधे कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा, अल्पमत को उचित संरक्षण देने तथा कंपनी को कुप्रबंध से बचाने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा, हमने कल डिस्कस किया था, 241 से 246 तक काफी सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। अल्पमत सदस्य बहुमत की दमनात्मक नीति से बचने के लिए ट्रिब्यूनल में कंपनी के समापन हेतु आवेदन आवेदन कर सकते हैं। कल हम लोग जब पढ़ेंगे कंपनी का समापन
या वाइंडिंग अप कंपनी, तब ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले मेजॉरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी क्या होता है, मेजॉरिटी के क्या क्या पावर्स होते हैं, कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और माइनॉरिटी के पास क्या क्या अधिकार हैं या उनकी क्या क्या रेमेडीज हैं। क्लियर है सभी को?